हेलो बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं ध्रुव जोशी और आज का मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस का वीडियो बना रहे हैं रिगार्डिंग व्हाट आई थिंक बैटल ग्राउंड्स। अच्छा वो मेल से भी हट गया है, काफ़ी टाइम हो गया बैटल ग्राउंड के रिवॉर्ड को आए हुए। सो लेट्स गो एंड कलेक्टेड, पहले जो लैब्स हो रहा है वो भी ले लेते हैं एक बार फटाफट एंड बाकी अपनी क्रिस्टल ओपनिंग कर लेंगे हम बेसिस व्हाटएवर आई वुड वांट टू गेट। सो कुछ बन रहा है मेरे पास सेवन स्टार में, आई थिंक एक तो बन चुका है, एक यहाँ से भी कुछ कुछ शार्ट मिल जाएंगे, शायद दो तो नहीं बनेंगे बट लेट्स सी कि कहाँ है बैटल ग्राउंड के रिवॉर्ड्स, कहाँ गए यार, पूरा महीना रहता है क्या। अलायंस की हमारी रैंकिंग आई है 2900, ये मेरी पुरानी अलायंस है तो वहाँ पे 2900 आई थी रैंकिंग। यहाँ हमें मिला है क्या बोलते हैं 25% के दो टीयर सिक्स, ये वाला अच्छा माल मिल गया है, ये टीयर फाइव सिलेक्टर मिल गया है और थोड़े बहुत टोकन मिल गए गाइस। सो यहाँ पे हम क्या लेंगे, हम सबके चार चार बना रहे थे ताकि दो आर फाइव हो जाएं हमारे या दो आर टू हो जाएं, मतलब दो दो आर टू हो जाएं सबके। लेट्स सी अब यहाँ देखते हैं बाकी कहाँ गए रिवॉर्ड, ये वापस ऊपर पहुँचा दिया गया इसने मुझे। हाँ सो अब ये रहा मेरा जो पर्सनल, अभी ये क्या हो रहा है, वापस ऊपर क्यों जा रहा है। 7200 मेरे सोलो इवेंट में रैंकिंग आई है तो 1000 शार्ट ये मिल गए, 2500 ये मिल गए, प्रेडी गुड प्रेडी गुड। एंड फाइनली कहाँ गया ये वाला था, आई थिंक ये मेरा वो रैंक रिवॉर्ड है जिसमें मेरे को उरू के रिवॉर्ड्स मिले हैं, आई मीन 1000 ये मिला है और 10000 ये मिल गया, विच इज़ गुड, आई थिंक आई एम गुड विद दैट। फाइन फाइन, सो लेट्स सी, और तो कुछ है नहीं खास लेने के लिए, ये रैंक डाउन टिकट आई हुई है, इसका मैंने अभी कुछ करना नहीं है सो क्योंकि मेरे पास है नहीं, क्लेम तो कर ही लेता हूँ इसे। एंड काफ़ी टाइम से वीडियो बनाया नहीं है गाइस, सॉरी अबाउट दैट, तो आज सोचा कि क्रिस्टल ओपनिंग ही कर लेते हैं। यहाँ हमारा आई थिंक स्किल का एक और बचा है एंड आई वॉन्ट टू डू सम मैसिव रैंक अप्स बट अब जैसे अलायंस वॉर आ रहा है सो आई थिंक आई विल कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन दैट। ओके सो फ्री वेलियंट क्रिस्टल है मेरे पास, इसी से याद आया कि काफ़ी टाइम से मैंने क्लेम ही नहीं किया डेली क्रिस्टल, तो पहले तो ये पॉप कर देते हैं साथ के साथ, हमें ये आइटम मिले हैं काफ़ी बढ़िया बढ़िया विच इज़ गुड। अभी बने थे हम वेलियंट डेली, पैरागॉन भी पड़ा है एक पुराना वाला, वो भी खोल लेते हैं, बाकी नेक्सस वैक्सेस बाद में खोलेंगे, ये सब खोल लेते हैं पुद्दू वाले। मोटा मोटा आप लगा लो तो क्रिस्टल ओपनिंग ही कर रहा हूँ आज मैं फॉर द मंथ ऑफ जून। जुलाई का हम जुलाई की क्वेस्ट करके करेंगे और बैटल ग्राउंड सीज़न ख़त्म होने के बाद ही हम क्रिस्टल ओपनिंग किया करेंगे आगे से। एंड आई एम थिंकिंग जैसे ही सेवन स्टार बनता है वो भी खोल ही लेना चाहिए, क्योंकि वरना जितने ऐड होते रहेंगे पूल में उतना मुश्किल होगा मेरे को अपने लिए इकट्ठा करना, ड्यूप करना चैम्प्स कुछ कुछ, सो दैट इज़ व्हाट आई वाज थिंकिंग। मैग्नेट्रॉन और थोड़े इकट्ठे करता हूँ उसके बाद खोलूँगा। डेड पूल के आ गए हैं यहाँ पे क्रिस्टल, यहाँ पैरागॉन लेते हैं, पांच है हमारे पास तो पांच पांच कुछ आइटम मिलेंगे। ये एक वैलियंट वाला लेते हैं 7200, फिर से वैलियंट वाला लेते हैं 9120 एंड लास्ट बचा शायद वैलियंट का ही लेते हैं, 23 हो चुके हैं फोन मेरे पास। वैलियंट का 200 शार्ट और मिल गए 7 स्टार के, वो भी ले लिए। एंड लेट्स सी मैग्नेट्रॉन बाद में खोलेंगे, कैवलियर ऑब्जेक्टिव 10 हैं ये भी खोल लेते हैं यार, फटाफट चलते रहते हैं ताकि हम अपने मेन इवेंट पे पहुंच पाएँ। लेजेंड्स में हमें कोई 6 स्टार 7 स्टार मिलेगा लग तो नहीं रहा, 6 स्टार शार्ट 5000 मिल गए, ये 18000 मिल गया पैरागॉन वाला, यहाँ पे वो नहीं है शायद। ओके लेवल 2 अलायंस वॉर, अच्छा अलायंस क्वेस्ट नहीं है इसमें, ओके यही ले लेते हैं गाइस। 40% रिवाइव, 40 यूनिट, 750 शार्ट और आ गए हाथ में विच इज़ गुड। अब यहाँ पे हम वॉर का कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अलायंस वॉर हेल्थ क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे होते हैं। 5000 शार्ट और मिल गए 6 स्टार के, तो फीचर्ड खोल सकता हूँ या बेसिक खोल सकता हूँ, फीचर्ड में मेरा काफ़ी उद्धार हो चुका है अब तक, सो आई एम लेट्स सी कार्बोडियम ले लेता हूँ
क्योंकि और भी कोई मास्टरीज होती हैं जो खोल सकते हैं हम. आई थिंक आई वॉज थिंकिंग ऑफ ओपनिंग एक्विटी, ये वाला लेते हैं भाई. कितने हैं, कमाल हो गया है. लेवल टू अलायंस क्वेस्ट यही लेते हैं यार, 100 यूनिट का होता है ये, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी. मनी क्या, फ्री का है ये तो. पलूजा वाले जो क्रिस्टल होते हैं, 2 टीयर 5 हैं, सब क्लास के इक्वल है मेरे पास, तो जिसका भी मिलेगा बढ़िया रहेगा. 2 मिल चुके हैं हमें ये. ओके, टीयर 6 वाले में आ जाते हैं. 2 ये हमने खोल लिए, 11400 2% के हैं, एक ही बचा है, चलो ये भी खोल लिया है. एंड आई थिंक मेरे 1 मिलियन हो चुके हैं अरीना क्रिस्टल, तो अनकलेक्टेड वाला डाल देते हैं, फटाफट खुल जाते हैं गाइस 1 मिलियन के तो. ऑलराइट, बेसिक वाले खोलता हूँ वैसे तो मैं, बट आज अनकलेक्टेड ही खोल रहे हैं क्योंकि मिलियन प्लस में तो अनकलेक्टेड खोल लो, वही बेस्ट रहता है. तो 1.1 मिलियन है शायद मेरे पास. हाँ, बाकी ये हम आगे के लिए रखेंगे. 525 यूनिट मिल गए पहले ही बैच में. दिखा दो भाई, 750 हो गए. ओके, 750 के 750 ही रहे, दैट सक्स. ना 975 हो गए, 1500 मिलते हैं ओवरऑल मेरे हिसाब से. यहाँ 5 स्टार का हमको पनिशर मिल गया पहली बार, विच इज़ अमेजिंग. 975 के 975 ही हैं अभी भी. 1500 की एवरेज आ जाएगी तो आई विल बी हैप्पी. उससे ज़्यादा कुछ भी होगा तो वो भी चलेगा. 1425 तो हो गए हैं, अभी भी 30 क्रिस्टल बचे हैं. 100 में 1500 का एवरेज बनता है मेरे हिसाब से, थोड़ा कभी कभी प्लस माइनस हो जाता है. जैसे अब 1600 दिख रहा है आपको ऑलमोस्ट. हमें 1875 मिल गए 100 में, विच इज़ प्रेटी सिक. एंड ओवरऑल 2250 110 अनकलेक्टेड क्रिस्टल में. चलो काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ पे तो यूनिट के मामलों में. एंड लेट्स सी हमारे पास कुछ स्पेशल में बचे हैं. ओके, लॉग इन क्रिस्टल विस्टल फनाना कुछ भी नहीं है अभी हमारे पास. एंड लेट्स सी 6 स्टार फीचर्ड में कोई नया चैम्पियन आया है. 6 6 स्टार फीचर्ड खोल सकता हूँ, 1 7 स्टार तो खोलूँगा ही, या बेसिक ही खोलूँ क्योंकि मेरे को फीचर्ड में गाइज इसमें इन क्रिस्टल में आप लगा लो अगर तो डस्ट मिल चुकी है, वॉरहेड मिल चुकी है, स्पाइडर पंक मिल चुका है, सरपेंट चाहिए यार मुझे तो. सरपेंट के लिए वैसे तो मोटे मोटे सारे मिल गए हैं. सरपेंट बहुत अच्छा चैम्प है और वॉर में भी काम आएगा आई थिंक. डिफेंडर काफ़ी अच्छा चैम्प है वो. या बेसिक खोलूँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है. चलो पहले हम देखते हैं हमारे पास कुछ फालतू में पड़े हैं आइटम की नहीं. 4 स्टार के 3 रेलिक्स हैं. कोई नया चैम्पियन मिल जाएगा तो वो भी बढ़िया रहेगा मेरे लिए. आई एम मोर देन हैप्पी टू गेट बढ़िया फ्री रेलिक्स. 0 न्यू, ऑल 3 डुप्लीकेट्स. चलो ठीक है, उनकी भी सिग्नेबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि अभी ज़्यादा रेलिक्स लॉन्च हुए नहीं हैं तो आराम से मिल रहे हैं. 3 5 स्टार पड़े हैं हमारे पास. आई थिंक ये सब आपको उससे ही मिलता है बैटल ग्राउंड में, वाइब्रेनियम क्लियर करने पे ये सब रिवॉर्ड मिल जाते हैं. 2 डुप्लीकेट मिले हैं, तीनों के तीनों डुप्लीकेट हैं. 2 गोस्ट राइडर के और एक जगरनॉट के. तो मिस्टिक लेवल काफ़ी हैवी रहा है. और 6 स्टार का हमारे पास फाइनली एक है. यहाँ पे तो नया मिल जाएगा तो थोड़ा मज़ा आ जाएगा. स्पाइडर हैम चलेगा बहुत ज़्यादा ज़ोर के. सो आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ इन कबैम कैन गिव मी स्पाइडर हैम. बट क्या मूड है इनका. एंट मैन, अच्छा सॉरी आई वॉज सेइंग स्पाइडर हैम, बट मुझे एंट मैन ही चाहिए था फॉर द पावर स्टिंग्स. दिस इज़ प्रिटी गुड लक. और ये काफ़ी ज़्यादा पोटेंसी बढ़ा देता है गाइज फॉर एंट मैन एंड दोज जेम्स उनके हिसाब से. सो 20 ये हैं ग्रैंड मास्टर. इस बार मैंने अरीना भी ज़्यादा नहीं खेला, टाइम ही नहीं मिल रहा है गाइज. बट आई एम ट्राइंग टू कम बैक एंड जस्ट मेक सम क्विक वीडियोज फॉर यू सो दैट ज़्यादा डिले ना हो जाए मेरे स्लो ओपनिंग्स में. ओके, यहाँ पे ये सब मिल गया. 1 5 स्टार नेक्सस भी मिल गया, 3 4 स्टार नेक्सस मिल गए तो ये सब खोल लेता हूँ मैं. और 6 स्टार नेक्सस भी है फीचर से पहले, वो खोल लेंगे अब. सो लेट्स सी कहाँ गया. एक तो एक क्लेम वाला बटन नहीं आता ना डेली वेरिएंट में, दैट इज़ अच्छा वो चल रहा है अभी डेली सुपर इवेंट, तो उस चक्कर में वो क्लेम करने को देता नहीं है. ओके, कहाँ है प्रीमियम नहीं खोल रहा मैं. 4 स्टार के 3 है,
पैसों के लिए काम आ जाएगा. सो लेट्स जस्ट पॉप दीज बैड बॉयज़. यहाँ हमारे पास तीनों ही मैक्स से गए. कौन से क्लास का चैम्प करना है? आई थिंक कॉस्मिक में मेरे को गौर मिला है, सो आई वुड प्रेफर टेकिंग गौर. चलो नया चैम्प करने लेते हैं एंड कॉस्मिक एक और मिल जाएगा तो बढ़िया रहेगा आई थिंक. ओके हियर वी गो. सो 48 ब्रिक्स मिल गई हमें कॉस्मिक की यहाँ पे, विच इज़ गुड. गौर को 7 star rank 2 तो करना पड़ता है गाइज मेरे हिसाब से. एंड 5 star nexus में भी अगर हमें कुछ कॉस्मिक टाइप मिलेगा हम वो ही लेंगे अब. सो लेट्स सी अवेकनिंग. अवेकन कर लेते हैं भाई को और हमें कॉस्मिकिश और आइसो मिल चुके हैं गाइज. ओके 24 और ब्रिक मिल गई हैं. यार 5 star में वैसे 24 से ज़्यादा ही होना चाहिए, सेम नहीं रखना चाहिएगा मैम को. 2 6 star nexus हैं गाइज, लेट्स जस्ट क्विकली पॉप देम एंड सी हमें कोई बढ़िया चैम्प मिल रहा है नहीं मिल रहा. अवेकनिंग कर लेते हैं इस बंदे की, अवेकनिंग ही बेटर रहती है. अब नई चैम्पियन मिल गई है एक. अबे यार बहुत ही घटिया लक निकली इसमें तो. 6 star के दोनों फुद्दू चैम्प मिले हमें. कोई नहीं यार, फीचर्ड खोलते हैं अब जाके 6 star, ताकि हमारे यार जो मिले हुए हैं चैम्प उनमें से ही कोई ड्यूप हो जाए. अच्छा 5 star भी पड़े हैं, 5 star के तो बेसिक ही खोल लो, फीचर्ड खोलने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि रैंक अप तो मैंने करना नहीं है. रैंक अप अगर करना होता तो बात अलग थी, बट इफ़ आई डोंट वांट टू रैंक अप एनी 5 star चैम्प देन ऑब्वियसली आई विल नॉट. तो यहाँ सारे के सारे, अच्छा 1 new मिला है जिसमें हमें ग्लैडिएटर पहली बार मिल गया है 5 star का, विच इज़ नॉट बैड, विच इज़ क्वाइट गुड एक्चुअली. बट एज़ यू नो 5 star से खेल के क्या ही उखाड़ लेंगे हम. अब तो समर ऑफ पेन भी नहीं होता उनसे. सो एक हमारे पास आई थिंक ये बेसिक बचा हुआ है तो ये बेसिक भी डाल देता हूँ. ये कहाँ मिला है पता नहीं, बैटल ग्राउंड में ही मिला होगा. बेसिक से हमें मिलने जा रहा है कोई फीचर्ड, सम फीचर्ड चैम्पियन. कम ऑन कार्नेज. ओके नॉट बैड, फर्स्ट टाइम डूप है शायद. नहीं नहीं पहले भी हो चुका है शायद ये डूप. दिखाओ अबिलिटी अवेकेंड. हाँ ओके तो हाँ इसके साथ अबिलिटी अवेकेंड के साथ इसको ये फ़ायदा है कि ये काफ़ी ज़्यादा पावर गेन करेगा दबा के. तो अभी हम जाते हैं सेमी मेन इवेंट में जो है फीचर्ड क्रिस्टल. तो जैसे कि आपको याद है पिछली बार मैंने 2-2 डाले थे और 2 बार बैक और फॉरवर्ड किया था और उसके बाद एक एक स्पिन किया था. सो लेट्स सी हमारे कुछ चैम्प्स हो रहे हैं डूब कि नहीं. स्पाइडर हैम भी चलेगा वैसे तो, वो भी डूब नहीं हुआ अभी तक. डस्ट चलेगी. सर्पेंट सबसे ज़्यादा चाहिए मुझे इनमें से. वॉरहेड भी चलेगी, प्राउलर भी चलेगा. डूप दे दो बस किसी का. आज रुक जाता हूँ, नहीं रुका साला. और डॉक्टर बूडू पे एक और ड्यूप मिल चुका है हमें जिसका हमें अचार भी नहीं डालना. ऑलराइट 80 हो गई है इसकी अवेकनिंग. एक और बार पीछे जाते हैं, एक और बार इसको अंदर खोलते हैं और अब देखते हैं हमें डिस्ट्रॉयर तो नहीं चाहिए क्योंकि डिस्ट्रॉयर हमारे पास 7 star में है. सरपंच चाहिए सबसे ज़्यादा. सो लेट्स सी, यहाँ टैप भी कर दिया मैंने. इस प्राउलर पे ही रुक जाए यार, क्या ये कौन सा चैम्पियन दे दिया है. इससे याद आया कि मेरा फर्स्ट 6 star चैम्पियन था इसी अकाउंट में. और मैंने, मेरे को याद है वो दिन 31 December, नहीं एक्चुअली 1 Jan था पता नहीं, 1-2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए पता नहीं, याद नहीं. जब भी 6 star यार नए नए आए थे तो तब की कहानी है ये. सो ओके अब हम एक एक डाल के करते हैं. और मेरा तो तब मन कर रहा था फ़ोन फेंक दूँ. मुझे याद है मैंने अपने 4 star वाले बेच दिए थे, तब हम चैम्प बेच सकते थे मुझे याद है इतना तो डेफिनेटली. सो या बस साइक्लॉप्स के अलावा कोई भी मिल जाए. आई थिंक हल्क का भी ड्यूप चलेगा. हल्क नहीं है मेरे पास अब, मतलब है तो बट डूप नहीं है. यहाँ हमें सरपंच मिल गया भाई, फीचर्ड में हमें सरपंच मिल गया है. अब आ जाओ भाई, मेरे को साला इतना परेशान कर रखा है सबने बैटल ग्राउंड में सरपंच डाल देते हैं. ओ नाउ आई एम गेटिंग सम गुड ट्रैक्शन हेयर. एक और बार एक और फीचर्ड खोलते हैं. वैसे अभी खोलने की ज़रूरत थी नहीं, बट अब नाउ आई एम लुकिंग फॉर ड्यूप्स टू बी वेरी ऑनेस्ट. सिगबिलिटी ज़्यादा मिल जाती है एंड आई विल नॉट हैव टू वेस्ट माई सिग्नेचर स्टोन्स. सो आई एम गोइंग फॉर फीचर्ड ओनली.
यही मेरा मंत्र है, वॉरहेड का डूप मिले या डस्ट का भी मिल जाए, हल्क भी चलेगा या किसी और का भी, नहीं इसका नहीं चाहिए था यार डूप, इसको कितने क्या 200 कर दोगे आज है? कोई नहीं, आई थिंक मोटे मोटे हमें सारे फीचर चैम मिल चुके हैं गाइस, तो इसमें अब कोई टेंशन हमें होनी नहीं चाहिए। बस अब आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट मोर डूप्स, मोस्टली डस्ट और वॉरहेड, इन दोनों में से किसी का भी मिले, या आई थिंक हल्क भी चलेगा, हल्क का भी ड्यूप चलेगा, दिस स्पाइडर हैम ड्यूप विल ऑल्सो वर्क, एंड एनी अदर ड्यूप आई कॉन्ट थिंक ऑफ, सर्पेंट तो ऑब्वियसली चलेगा, प्राउलर भी चलेगा, सो लेट्स सी हमें क्या देने वाला है। कॉर का ड्यूप दिया है जो हमारा पहले से ही ड्यूप था, आई थिंक कितनी इसकी एबिलिटी है, और ये तो अब 7 स्टार में भी ड्यूप्ड है हमारे पास, सो आई विल नॉट इवन केयर अबाउट हिम। R3 तक ही किया था मैंने, इसे याद नहीं आ रहा टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके लास्ट है हमारे पास ये गाइस, 6 स्टार अपना फीचर्ड, ये खोलते हैं एक बार फाइनली एंड देखते हैं हमें कुछ जूसी फीचर्ड एक और मिल जाएगा कि नहीं। सरपंच का ही ड्यूप दे दे यार सच्ची, नहीं ये नहीं चाहिए यार, ये नहीं चाहिए था, फर्स्ट टाइम पुलिंग ऑफ विंटर सोल्जर द पंचिंग बैग। इसका यार कब आएगा बफ, मेरे को लग रहा है आने वाला है विंटर सोल्जर का बफ, तो वो आएगा तो मज़ा आ जाएगा। तो अब चलते हैं गाइस मेन इवेंट में, जो हमारा एक ही है 7 स्टार का क्रिस्टल, यहाँ देखते हैं हमें आज 7 स्टार में नया चैंप मिलेगा पुराना मिलेगा, क्या सीन क्या है, कबैम क्या चाहता है हमारे साथ, गार्डियन है गार्डियन नहीं चाहिए मुझे आई थिंक, वहाँ गार्डियन का ड्यूप अगर मिल जाएगा तो बढ़िया रहेगा, डोमिनो का ड्यूप मिलेगा बढ़िया रहेगा, और इफ़ आई गेट 7 स्टार हल्क दैट विल बी ग्रेट, आई वुड ऑल्सो अप्रीशिएट अ 7 स्टार दिस गाय। गौर का ड्यूप भी चलेगा बट कबैम का मन क्या है, बिशप, ओ हो ब्यूटीफुल मैन ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया यार, वेरी वेरी सुपर्ब क्रिस्टल ओपनिंग, गॉड रियली होपिंग कि कोई बढ़िया या नया चैंप ही मिले, और वो ही कबैम ने दिया आज हमें, एंड आई एम प्रीटी स्टोक्ड एक्चुअली कि हमें मिल चुके हैं नए चैंप्स, एंड 7 स्टार में बिशप मिलना तो गाइज ऑब्वियसली इज़ अ वेरी बिग डील फॉर मी, एंड इफ यू सी यहाँ 7 स्टार में जुड़ चुका है हमारे रोस्टर में, सौरन भी है अभी, ये सब मैंने यार लेवल अप करने हैं, ये डेली सुपर इवेंट वैसे ही लिपट जाता है तो उसमें कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा हमें, तो आई थिंक आज वाला नहीं किया मैंने, एक दो दिन वाले नहीं किए क्योंकि हफ्ते से मैं थोड़ा टाइट था, तो दो उस हफ्ते से मेरे ये सारे यार रिवॉर्ड छूट गए होंगे टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी ट्रूथफुल विद यू। अब ये समर ऑफ पेन भी आया हुआ है, ये भी करना है मैंने, ये इसके लिए भी जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं करूँगा गाइज, एंड आई विल पोस्ट अ वीडियो फॉर यू ऑल। आई नो थोड़ा लेट हो जाएगा बट आप फिर देख लेना आप क्या कर सकता हूँ मैम, जब काम ज़्यादा होता है तो आई एम जस्ट अ लिटल हैंडीकैप्ड गाइज, इट रियली कांट हेल्प माई लक इन दो सिनारियोज, सो ओके अच्छा 4000 ही चाहिए ऐसे, ये वाला दे देते हैं ओके, एंड लेट्स सी अब हमारे पास ये हो तो सकता है रैंक 2, एक बार मैं अपनी अलायंस से भी पूछ लूँगा कि किस लड़के को रैंक करना चाहिए, यहाँ अपना आइसो ख़त्म करते हैं हम ये वाला, और अब चलते हैं थोड़े और लेवल अप भी कर लेते हैं मोटे मोटे, एंड आई विल कम बैक विद द रैंक अप वीडियो वेरी सून गाइज, प्लीज़ बी अ लिटल मोर पेशेंट फॉर दैट, मैं देख लूँ अपना सुपर इवेंट हो गया होगा है ना, सुपर इवेंट हो गया कि नहीं, अच्छा थोड़ा सा और करना है तो एक और चैम्पियन कर देते हैं क्योंकि यार टाइम है नहीं मेरे पास खेलने का टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड लेट्स जस्ट गो बैक हियर लेवल अप, ये वाली लड़की भी पकड़ते हैं, काफ़ी टाइम से इसको यहीं लटकाया हुआ है, एंड मोटिंच लेट्स जस्ट गेट हर अप, ऑलराइट
राइट, एक और लगेगा बैच शायद रैंक टू है अभी, ये ड्यूप्ड भी है, ये तो पहले ही पुल में ड्यूप हो चुकी थी जब हमने लास्ट टाइम क्रिस्टल ओपनिंग किए थे। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है उसमें मेरे को इतने फीचर चैंप मिले हैं कि भाई बुरे हाल हो जाएंगे आपके, एक बार जाके देखो वो वीडियो, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड टाइम फॉर यू ऑल। ओके सो दिस इज़ डन, इसको रैंक थ्री करना है कि नहीं अभी बाद में सोचेंगे हम। मुझे कौन से करने हैं चैम्प अभी, आई थिंक मेरे जहन में दो और चैम्प थे, आज हमें प्राउलर मिला है, कहाँ गया है? ये रहा, सॉरी सरपंड मिला है, इसको यार ऊपर लेके जा रहा हूँ मैं अंधाधुन। सो अभी करूँ क्या कि बाद में करूँगा, दैट आई एम नॉट श्योर, बट यस आई विल बी रैंकिंग हिम अप वेरी वेरी सून। सो गाइज, आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन अगर आई है, कॉमेंट तो करो, सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो, और आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा। टिल देन टेक केयर बॉयज़ एंड बाय बाय।